अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कबाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन कबाब बनाना। एक अदद प्याज लिया है, इसे फाइन चॉप कर देंगे चॉपर में। हरी मिर्च ली है दो अदद बड़े साइज की। 5 अदद लहसुन के जवे लिए हैं। धनिया पत्ता लिया है, इन सबको हम फाइन चॉप कर लेंगे। हमारी सारी वेजिटेबल फाइन चॉप हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। अब इसी में मैं चिकन कीमा डाल दूंगी। चिकन कीमा लिया है मैंने 400 ग्राम्स, और इसे भी हम बिल्कुल फाइन चॉप कर देंगे। जितनी चीज़ हमारी फाइन चॉप होगी उतनी ही मज़े के कबाब बनेंगे हमारे। तो ये देखें चिकन कीमा भी हमारा बिल्कुल फाइन चॉप हो चुका है। ये देख रहे हैं आप कितना मुलायम सा हो गया है बिल्कुल। ये देख रहे हैं इस तरह से हमें चॉप करना है। तो ये भी डाल दूंगी इसमें मैं। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हसबे सायका 1 टीस्पून, ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। अब इन सबको हम हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके कबाब बना रहे हैं। कबाब बना लेंगे, और कबाब मैं इसके बना रही हूँ बिल्कुल फ्लैट से बना रही हूँ। ये फ्राई बहुत अच्छी तरह से होंगे। देखें इस तरह से प्लेट से मैं इसके कबाब बना रही हूँ, क्योंकि ये जब फ्राई होंगे तो श्रिंक भी होंगे, इसलिए फिर अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे। इसलिए बिल्कुल फ्लैट से बना रही हूँ, तो ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है ये। इसे आप सुबह के नाश्ते में भी इन कबाब को बना सकते हैं, इफ्तारी में भी, और वैसे भी घर में बनाकर आप रख सकते हैं। देखिए कबाब हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने अंडे में डिप करना है। अंडे को मैंने फेंट लिया है। इसके बाद इसकी अब हम ब्रेड क्रम्स से कोटिंग करेंगे। इस तरह से सारे कबाब की मैं कोटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए सारे कबाब की कोटिंग हो चुकी है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं कबाब डाल के फ्राई करूँगी। कबाब को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर फ्राई बिल्कुल ना कीजिएगा, वरना ये कबाब अच्छे से फ्राई नहीं होंगे अंदर से। ये एक तरफ से फ्राई हो जाते हैं, तो मैं इसको पलट के दूसरी तरफ फ्राई करूँगी। तो ये देखिए एक साइड पर फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं पलट दूँगी। तो ये देखिए जो कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं उसे मैं निकाल दी जाऊँगी और दूसरे फ्राई करना शुरू कर दूँगी। तो ये फ्राई हो चुके हैं। तो ये देखिए सारे चिकन कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी अच्छी तरह से हमारे कबाब पक चुके हैं। ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। देखिए तो उम्मीद है कि आपको ये चिकन कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरा चैनल पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो अब तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।